अस्सलाम वालेकुम एंड व्हाट्सअप टू ऑल 50th नेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने कहा था, मैं ओकेजनली आता रहूँगा और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई से नई वीडियो जो है मैं लाता रहूँगा। आज मेरे पास YB125Z मौजूद है और इस वीडियो का टाइटल बिल्कुल ठीक है कि डोंट बाय यामाहा YB125Z विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे कि भाई क्या ये बाइक वर्थ है, क्या आपको इस बाइक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये मैं आपको टैंक की लुक दे देता हूँ, यामाहा YB125Z। ये बाइक इस वक्त कम्प्लीटली रैप्ड है। अगर मैं बताऊँ कि कितनी चली हुई है तो ये एग्जैक्ट 37,923 किलोमीटर चली हुई है। अगर हम ये पीछे बैक साइड पर आ जाते हैं, ये इसकी टेल की लुक आप देख लें, कुछ इस तरह की टेल है। 2018 का मॉडल है। कॉस्मेटिक चेंजेस थोड़ी सी इसमें की गई हैं, लेकिन इंजन स्टॉक है इसका। फ्रंट पे आप भी देख सकते हैं कि आफ्टर मार्केट काउल लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे LEDs लगी हुई हैं अच्छी क्वालिटी की। फ्रंट टायर आपको मैं दिखा देता हूँ। यामाहा की ये आप कह सकते हैं एंट्री लेवल बाइक है। अभी इसका न्यूअर वर्जन आया, जिसका नाम है YB125Z DX। उसमें सिर्फ आपको अलॉय रिम और फ्रंट डिस्पैट दे दिए गए हैं, बाकी बाइक कम्प्लीटली सेम है। गियर जो है फॉरवर्ड शिफ्ट कर दी गई है, क्योंकि 2018 में आई थी, रिवर्स शिफ्ट के साथ है। एक गियर आगे, बाकी गियर इसके पीछे लगते हैं। ये बाइक इसमें कम्प्लीटली रैप्ड है। 37,923 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। क्या काम निकाला है इसने अभी तक। इस बाइक की सिर्फ एक दफ़ा स्प्रॉकेट चेंज हुई है और एक दफ़ा पिछला टायर जो है टायर चेंज हुआ है बेसिकली। इसके अलावा बाइक में कोई चीज़ जो है वो चेंज नहीं हुई, कम्प्लीटली स्टॉक बाइक है। कॉस्मेटिक चेंजेस में आप ये देख सकते हैं कि ग्रिप्स इसकी चेंज गई है, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इससे आपकी वारंटी भी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, ये ग्रिप्स जो है कुछ बाइक्स पर सही चलती हैं, कुछ अच्छे तक कुछ पर नहीं चलती, तो मैं उसकी रिकमेंड नहीं करूँगा। ये ऑन ऑफ की किल स्विच आपको मिल जाती है। इसके अलावा हैजर्ड ऑप्शन और डिपर ऑप्शन ग्रिप्स में मिल जाता है। ये आफ्टर मार्केट इस बाइक पे फैट बार लगा हुआ है, चार्जर लगा हुआ है, टैंक के ऊपर कवर लगा हुआ है, सीट स्टॉक है इसकी। बाकी रैपिंग इस पूरी बाइक पर हुई भी तकरीबन 1.5 ईयर हो चुका है इसको, कुछ भी नहीं हुआ। बटरफ्लाई कार्ब लगा हुआ है, इट गिव्स लीस्ट भी बात करें तो 40 किलोमीटर की एवरेज ये देती है अकॉर्डिंग टू द ऑनर। ग्रैब रेल इसकी जर्मन आई हुई है, लेकिन अभी दूसरी भी लगा सकते हैं सामान वगैरह अगर आपने रखना हो तो। आफ्टर मार्केट ये सेफ गार्ड इस पर इंस्टॉल्ड है। सो यार, ये इसकी कुछ इस तरह की लुक है। थोड़ी सी मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। तो ग्रंट आप सुन पाएंगे YB125Z का। ये बाइक मेरे बहुत ही अच्छी दोस्त चौधरी की है, और चौधरी वॉज वेरी काइंड इनफ, उनके रिव्यूज़ लेने के बाद जो है मैं एक कंक्लूजन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा क्या ये बाइक लॉन्ग टूर्स के लिए सूटेबल है? मेरा हेड YBR125G, मेरे पास YBR125G थी और उसके साथ ये बाइक थी YB125G, एग्जैक्ट सेम बाइक। ये दो बाइक्स की थी खुंजराब बॉर्डर पर, पाक चाइना बॉर्डर पर, और किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई मसला हमें फेस नहीं करना पड़ा। बाइक जिधर जाके खड़ी करते थे, खड़ी हो जाती थी, स्टार्ट करके अपनी मंजिल पर चले जाते थे। मतलब हीटिंग का ज़रा रत्ती बराबर भी इसमें इशू नहीं हुआ। हमने सिर्फ आपको, अगर मैं बताऊँ वापसी पर, एक दिन में हमने हुंजा से नारान किया था वापसी पर, तो सिर्फ चाय की हमने ब्रेक ली थी, क्योंकि आपको पता है टूर पे खाना सारा इतना होता नहीं है। उसके अलावा कोई हमने ब्रेक नहीं ली और नॉन स्टॉप हम आते रहे और बाइक परफॉर्म रियली वेल। इफ़ यू टॉक अबाउट YBR-G, इफ़ यू टॉक अबाउट YB-Z, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो लॉन्ग टूर के लिए रिकमेंडेड है। एक टिप मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, कंपनी स्टैंडर्ड इसके साथ दूसरा टायर देती है YBR-ESD में भी, YBZ में भी, लेकिन इसमें ऑनर ने, चौधरी साहब ने 90-90-18-65 ट्रकर लगाया हुआ है। ये YBR125G के साथ स्टैंडर्ड आता है, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा। आप इसकी ग्रिप देख सकते हैं, इसके टायर की ग्रिप बड़ी अच्छी है, वेट सर्फिस पर भी जो है ये बाइक स्लिप नहीं करती है, ग्रिप बनाए रखती है।
सो या दैट इज इट। अब चलते हैं चौधरी साहब के पास और थोड़ा सा उनकी जुबानी भी सुनते हैं कि व्हाट ही हैज टू से अबाउट दिस बाइक। सो ओवर टू चौधरी साहब। चौधरी साहब अस्सलाम जी, की हाल है? तुसी सारे चंगे हो, वाल हो, खुश हो, है ते है चौधरी। तो लो जी, अज जड़ा ना मैं तुहानू दसणा तुसा करना की है, तुसा कख नहीं करना, जड़ा करना कराना मैं करना। तो मैं तुहानू अज दसांगा यामा वैबी जी के बारे में। यामा जड़ा है ना वैबी जी, ओ जी तुहानू मैं की दसा, इन्ना कोई चंगा स्कूटर, इन्ना कोई चंगा स्कूटर। मैं कहना इस दे नाल दा स्कूटर यामे ने आपो नहीं बनाया होना, और टू स्ट्रोक जड़ा सी साढ़े वेलिया का वह बहुत चंगा सी। उस तो बाद जो मैं हूँ स्वाद आया वो वैबी जी का आया। तो वैबी जी सारे तो वध के जड़ा स्वाद दिता ना, वह होता कंफर्ट पांच ग्यारह। तो उतों टेक्नोलॉजी स्वाद आ जाता। इस टेक्नोलॉजी के नाल तुहानू मैं दसा कि मैनू दिंदा है कोई 48 किलोमीटर फी लीटर, तो पैसे भी मेरे बच जाते हैं, तो नाल दौड़ता भी काफ़ी है, 100 तो करता आराम नाल टुर जाता। तो तुम नसाना चाहो तो स्तूत से भी मच्छी बन जाओ है। तो उस अलावा ये हूँ चल गया जी कोई 37,500 या कोई 38,000 के करीब। तो अज तकर मैं इन्ना कोई काम नहीं कटिया। एक बार मैं स्प्रॉकेट ऐसा चेंज कितिया ने, गरारी जिन्हों कहते हैं पिछली गरारी होती है वो चेन गरारी सैट मैं पाया। तो उस अलावा ब्रेक शू मैं पिछे पाए, तो पिछला एक टायर मैं एक बार तब्दील किया बस। तो उस अलावा जड़ा है इन्हें मैं कोई काम नहीं आ गया। मैं अल्लाह नू हाजर नाजर जान के मैं तुहानू दस रहा। तो तुसा भी जदू लैना है तो यामा वैबी जी लैना है, है? चलो फिर चौधरी नू तो याद रखियो, तो अल्लाह बेली। बड़ा गलत हो गया ढे चक्रा भी मेरा गला बह गया। तुम चाह चढ़े इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू।